ओके गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो कैटरिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं अभी। ओके, जिन्होंने पहले वीडियो देखा उनको तो पता है कि ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, बट जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं एक लिंक आपको अभी आई बटन में दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे बताया हुआ है कि इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। ओके, सो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो अगेन उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए गाइज इसका प्राइस वंस अगेन ओनली 499 कर दिया गया है। ओके, क्योंकि आज वैसे भी 15 फरवरी हो गई है और जस्ट एक महीने बाद, यू नो, एक महीने से कम टाइम बचा है, 11 मार्च 9-10-11 को उनका एग्जाम होना है। ओके, तो जो कैटरिंग असिस्टेंट वाला है गाइज, उसका जो प्राइस है वो अब 999 से घटा के 499 कर दिए गए हैं। ओके, और बहुत से बच्चों की गाइज ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसमें तैयारी कैसे करनी है, हम इसे पढ़ें कैसे। ओके, तो गाइज आप जैसे इस कोर्स को खोलते हैं तो आपको इसमें आप कंटेंट में जाएंगे, है ना। कंटेंट में जाने के बाद गाइज जिस फोल्डर में, जिस सीक्वेंस में ये फोल्डर लगे हुए हैं, आप ऐसे ही तैयारी करिए। ओके, यहाँ पे मोटिवेशनल ओपनिंग है ना, तो यहाँ पे आपको सिलेबस बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, प्लस आपको स्ट्रेटजी क्या होती है एग्जाम की वो यहाँ पे बताई हुई है। सेकंड इसमें सैलरी क्वालिफिकेशन है, देन सिलेबस है। ओके, फोर्थ वाला जो आपका फोल्डर है वहां पे बताया है कि व्हाट इज स्टडी मटेरियल, है ना। आप इसको जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा स्टडी मटेरियल आपके सामने दे दिए गए हैं। अब आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम वेटेज है वो है आपके डोमेन प्रोफेशनल की। ओके, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, क्योंकि वहां से 60 क्वेश्चन आने हैं। बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन सब्जेक्टिव मोड पे होंगे या ऑब्जेक्टिव मोड पे होंगे। गाइज मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि आपके 120 जो क्वेश्चन है वो MCQ आएंगे, है ना। CBT होगा, कंप्यूटर मोड पे होगा, मतलब CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ओके, तो आपको जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पे होना है, सेंटर पे होना है और NVS इसको लेगा, नवोदय विद्यालय। ओके, और 60 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जो आपका सब्जेक्ट डोमेन है वहां से आपके 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑलराइट, तो गाइस जैसे यहाँ पे देखो रीजनिंग है, तो रीजनिंग के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट डाल दिए हैं, 61 मॉक टेस्ट हैं। आप इन्हीं को कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। जनरल अवेयरनेस के 27 टेस्ट हैं, इसमें स्टैटिक भी है और करंट भी है। ओके, करंट के लिए गाइज मैंने आज ही इसमें PDF डाली है, अक्टूबर 21 से लेके जनवरी 21 तक जो PDF है करंट अफेयर्स की, वो मैंने आज इसमें अपडेट कर दी है। आप उनको देखेंगे तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से गाइज प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में इंग्लिश के बहुत सारे हैं, हिंदी के मैंने 5 मॉक टेस्ट डाल दिए हैं जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पे आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज के गाइज मैंने आज इसमें 4 मॉक टेस्ट और डाले हैं। ओके, तो यहाँ से भी आपके 10 ही क्वेश्चन आने हैं जो कैटरिंग वाले हैं। ओके, तो डोंट वरी। तो जो आपको गाइज ये रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है ना, और कंप्यूटर नॉलेज है, इसका बहुत सारा मटेरियल इसमें ऑलरेडी है। ओके, एंड आई गेस कि आपने कहीं और से भी इसको प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि आपको जो मेन मुझे जो बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे कि सर हमें सब्जेक्ट डोमेन का चाहिए। ओके, लेकिन मैंने कंप्लीट यहाँ पे दे रखा है। अब अगर हम डोमेन की बात करें गाइस, तो डोमेन आप यहाँ पे देखें, है ना, 6 वीडियोज मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी। ओके, जो आपके सब्जेक्ट जो डोमेन नॉलेज है वहां के कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, और बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट करते कि सर और वीडियोज डालो, और वीडियोज डालो। गाइज मेरे ख्याल से ये वीडियोस काफी हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है अभी, है ना। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए होती है, आप 1-2 वीडियोस देख के उस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। ओके, अभी आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि आपके पास एक महीने से कम टाइम बचा है गाइज, आपको MCQs, आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए जितने से ज्यादा, जितने आप इसमें लगा पाए। ओके, जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने ही आप इस एग्जाम के हैंडी होते जाएंगे। ऑलराइट, PDF नोट्स भी यहाँ पे कुछ हैं और मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज डाल रखे हैं। तो आप देखें, फूड साइंस के हैं, फूड प्रोडक्शन के हैं, फूड एंड बेवरेज के मैंने 9 मॉक टेस्ट डाले हैं, मतलब 200 से ज्यादा क्वेश्चन, मोर देन 200 क्वेश्चन आपके फूड एंड बेवरेज सर्विस के डाल दिए हैं। यही कर लोगे तो यही से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, है ना। इंडियन फूड, स्वीट्स, और ये मॉक टेस्ट आपके डलते ही रहेंगे, आई प्रॉमिस।
ये आपके एग्जाम डेट तक डलते ही रहेंगे। ऑलरेडी गाइज इसमें काफी ज्यादा स्टफ है और क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए मैंने इसका प्राइस भी हाफ कर दिया है। सो बहुत से बच्चे जो प्राइस की वजह से इसको नहीं ले पाए थे, अब इसको ले सकते, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट तो इतने हैं कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए होगी क्योंकि आप इसको अपने फोन पे लगाओगे या कंप्यूटर पे लगाओगे, और वहां पे आपको जो एग्जाम होना है वो भी कंप्यूटर पे होना है, तो आप एक तरह से हैंडी हो जाओगे, है ना। तो डोमेन जो सब्जेक्ट है आपका उसके तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे डाल रखे हैं, और मैं और भी इसमें गाइज डलते रहेंगे, वीडियोस का वेट मत करो, अब जिस जितना हो सके मॉक टेस्ट को लगाते रहो। तो डोमेन मॉक टेस्ट के मैं आपको और भी इसमें डालता रहूंगा।